أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم معلقة بالعرش. أقول: من بصرني بصر الله، ومن قطعني قطع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح الميات كالرشتا عرش پر لٹکا ہوا ہے اور یہ دعا کرتا ہے جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ تعالیٰ اسے توڑے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو بنایا، فیصلہ فرما لیا اس کی تخلیق کا، تو رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا اور اس نے عرض کیا باری تعالیٰ کا، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے امانت کر دیجیے، ضمانت دے دیجیے کہ مجھے توڑا ہے. آپ نے اپنی خاص خدمت اور رحمت سے مجھے بنایا ہے تو میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں، میں نے تمہیں پناہ پر تمہاری درخواست منظور کر لی اور میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مجھے جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں، جو میں تمہیں توڑے گا میں اسے، میں نے فیصلہ کر دیا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا الرحمن وهي الرحيم شققت لها من اسمي، میں رحمان ہوں اور یہ رحیم، رحیم رشتے کو رحیم لے رحیم تو رحمت ہی سے نکلا ہے، اور رحمت کے اور اس کے اندر یہ مناسبت ہے معنوی اعتبار سے کہ اور جو رشتے ہوتے ہیں اس میں رحمت رکھی ہے، بھائی ہیں، چچا بھتیجا، مامو بھتیجا، پھوپھی بھتیجی بھتیجا، خالہ، چچا زاد بھائی، اموزاد، پھوپھی زاد بھائی، ان میں اللہ تعالیٰ نے رشتے کی وجہ سے وہ رحمت رکھی ہے، بس میں ایک رحمت کا مطلب اسی سے نکلا ہے، اور رحمان کے معنی بھی رحمت کرنے والا. سو حدیث میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ میں رحمان ہوں اور یہ رشتہ رحیم ہے، میں نے اس کو اپنے نام سے دیا ہے، نام اس کا نام اپنے نام سے دیا رحمان سے رحیم، تو میں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ جو اسے جوڑے گا میں اسے دوں، جو اسے توڑے گا میں اسے دوں. تو اللہ سے خاص مناسبت ہے رشتے، اور رشتے کی حفاظت اور ضمانت کا اللہ نے ذمہ لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے بنائے ہیں رشتے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کسی
कोई इख्तियार नहीं है रिश्ता बनाने में। आसमान से बनकर गया है, अल्लाह की बारगाह से बनकर गया है रिश्ते। तो इसको कोई तोड़ेगा तो क्या है, अल्लाह की बनाई हुई चीज को तोड़। हमने किसी को पसंद से नहीं बनाया है, चाचा फूटी खाली मामू अल्लाह ताला ने बना दी, बहन भाई माँ बाप अल्लाह ने बना दी। तो अब कोई तोड़, यही बात बताई हदीसों। तो जो जो आदमी इनसे ताल्लुक को तोड़ता है वो अल्लाह ताला की खास बनाई हुई चीज है, जो अल्लाह ने अपनी कुदरत और जो अपने इख्तियार से बनाई है, बंदों को कोई उसमें दखल नहीं दिया, तो वो अल्लाह की चीज को तोड़ना। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया। एक हदीस में फरमाया गया, मन अहब्ब अन युसअल लहु फी रिज़्क़िही व युनसअल लहु फी अथरिही, जो आदमी चाहता है तो उसके रिज़्क़ में बरकत हो, खुशहाली हो, परवानगी हो, उसकी उम्र में और सेहत में बरकत, उम्र में इजाफा हो, तो उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते जोड़े। बरकत होती है खास रिस्क में और उम्र में, रिश्ते जोड़ने से बरकत रहता है। तो जो लोग सिला रहने करने में क्या जाता है, जरूरी नहीं है कि आप उनको बहुत पैसा दें, अगर मोहताज है तो आप दे दीजिए ज़कात से, हो जाएगा सिला रहने में इंशा अल्लाह। ज़कात आपको अदा करना है तो अपनी बहन को दे दीजिए, अपने मामों को दे दीजिए, जो गरीब है मतलब मालदारों को दे तो अदा नहीं होगी, गरीब लोगों गरीब है तो उनको दे दीजिए ज़कात, मालदार है तो उनको देने की जरूरत ही नहीं, उनसे कलम दुआ कर लीजिए जाके चाय पी लीजिए, उनकी अपने घर पे ला दीजिए चाय पिला दीजिए, तो यही सिला भी नहीं होगी, टेलीफोन की ला दीजिए, बीमार पड़े तो खैरियत दरियाफ्त कर लीजिए, कोई परेशानी हो नाउ पेश कर दीजिए, खुशी हो मुबारकबाद दे दीजिए, गमी हो ताजियत कर दीजिए। यूं ना कहिए कि उनसे तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया, वो हमारे रिश्ते में नहीं है, खत्म रिश्ता। आप कैसे खत्म कर रहे हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज को, ऐसा नहीं कीजिए। यही मतलब फरमाए सदकत वाले मिस्कीन, सदकत वाले मिस्कीन का मिस्कीन पर सदका करने से सदका का सवाब मिलता है, और रिश्तेदार पर सदका करने से दो सवाब होते हैं, सिलातुन सदका, सिला रहने का भी और सदका का भी। और असल उन्हीं से ताल्लुक रखना है जो आपसे किनारा कशी किया, उन्हीं से ताल्लुक रखना असल ताल्लुक, क्योंकि आप अल्लाह की वजह से वो आपसे कुछ हिस्सा भी रखते हैं, आप उनसे ताल्लुक रखते हैं तो वो अल्लाह की वजह से। पर मैं बदतमीज का मामला जो कर देता है, वो आ गए तो हम चले गए, उन्होंने हरी हरी हमने दे दिया, तो सिला रहने करने वाला नहीं है, सिला रहने करने वाला वो है कि जो उसके एराज और लोग अंदाजी पर ही उससे ताल्लुक रखते हैं अपने रिश्तेदार से। एक साथी आदमी कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ अच्छा सलूक ही करते हैं, मैं उनको देता हूँ मुझे महरूम रखते हैं, और मैं के साथ खैर का मामला करता हूँ, जरूरत का मामला करते हैं, इसे शिकायत करने लगे, कहने लगे तो वो तुम्हारा क्या है, इससे तो उन्हीं का दर्द छोटा होता है, तुम्हारा जहन तुम्हारी सतह तुम्हारा मेहनत तो ऊंचा नजर आ रहा है, और तुम उनके भगूदल उनके मुंह में डाल रहे गर्म गर्म काम, जब पता चला वो नहीं आए थे
हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम था तो वो नहीं आए थे, तो आप चले गए, उनके प्रोग्राम में चले गए, खुशी के मौके पर हथियार लेकर और ये भी ना कहें कि खाने के लिए आ गए हैं, तो माजरत करके उस सलूक से आ गए, हदिया तोहफा भी दे दिया, खुशी भी कर ली, ऐसा नहीं कि अंदर से कुछ समझे। तो अगर आपको ये हो कि हम दावत खाने जाएंगे, क्या खाइए हदिया लेके चले जाइए, तो वो तो नजर छोटा मालूम होगा, कितना आला आदमी है, हम तो गए नहीं थे, यहाँ भी गए, इतना अच्छा तो फल भी लिया है, तमाचा मारा बहुत बड़ा। तो फरमाया है कि उनके मुंह में बबू गल डाल दो, तो ये तो कम दर्दी है, तो डाल दो एक प्रोग्राम में किया तेरे किसी प्रोग्राम में, ये तो बेजरती कम से कम आधा जरूरी है, मुसलमान तो खुशहाल नहीं होना चाहिए, खुशहाल नहीं होना चाहिए, जमीन उसका आधा होना चाहिए। तो हम तय करें इंशाल्लाह कि जो जो हमारे रिश्तेदार हैं उन सब से ताल्लुक रखें इंशाल्लाह, जो खास तौर से जो रूठे हुए हैं उनको मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे सलाम दुआ करेंगे और उनसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह ताला हमें